नमस्कार नौ बज चुके हैं इट्स शो टाइम तो हम कल का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं कल जब हमारा डिस्कशन खत्म हो रहा था उस वक्त किसी ने हमसे ये सवाल पूछा था वॉट इफ टू करियर चॉइसेस विच आई फील आर इक्वली गुड फॉर मी मीनिंग मुझे दोनों चीजें पसंद हैं ये भी पसंद है और उतनी ही मुझे वो दूसरी चीज भी पसंद है तो अब इस केस में मैं सिलेक्ट कैसे करूं कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए कौन से प्रोफेशन में मैं जाना चाहता हूं या मैं जा सकता हूं स्पेशली बहुत बार ऐसा होता है कि अ पर्सन हैज टेकन साइंस एज अ स्ट्रीम एंड दैट साइंस स्ट्रीम ही हैज टेकन मैथ्स एज वेल एज बायोलॉजी तो बहुत बार कंफ्यूजन रहता है मेडिकल में जाना है या मैथ्स में जाना है और मजे की बात तो यह होती है कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना उसी को ज्यादा कंफ्यूजन

तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज शेडोइंग जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था कि हम शेडो कंसेप्ट है उसके ऊपर आज डिस्कस करें आ, हमारी एक व्यूअर हैं जिन्होंने अभी हेलो कहा है आ, अस्मिता मैम तो आ, ये यूएस को बिलोंग करती हैं तो यूएस में मैं जानती हूँ कि आ, ये कंसेप्ट पॉपुलर है इनके बच्चों ने भी खुद ने शेडोइंग किया हुआ है दैट अ पॉपुलर कंसेप्ट हम लोग uh, बहुत बार इंटर्नशिप शेडोइंग ऐसे दो तीन चीजों को दो तीन चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो वट एग्जैक्टली इज शेडोइंग दिस आई वु डिस्कस टूडे तो सबसे पहले हम लोग uh, कंसेप्चुअल चीज देखते हैं कि यस अस्मिता मैम इज यस बिकॉज शी बिलोंग्स टू यस शी अंडरस्टैंड कि ये तीनों में इंटरमिक्सिंग नहीं करना चाहिए शेडोइंग टोटली डिफरेंट चीज है सो थैंक यू अस्मिता फॉर दैट कमेंट ऑफ यस नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ शेडोइंग हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या इंडिया में ये कंसेप्ट हमें लेकर आना चाहिए चाहिए यापेलर होना चाहिए दैट इज द क्वेश्चन टुडे मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ शैडोइंग नाउ व्हेन आई एम सेइंग शैडोइंग अब हिंदी में अगर मतलब निकालें तो इसका मतलब डायरेक्ट मतलब होता है परछाई इसका मतलब है जब आप किसी को शैडो कर रहे हैं तो परछाई की तरह उसके साथ रहेंगे अब परछाई करती क्या है परछाई बोलती नहीं है आपसे परछाई आपको सवाल नहीं पूछती है और परछाई सिर्फ आपके साथ रहती है आपके पीछे पीछे चलती है इस तरह से आपको किसी को शैडो करना है मीनिंग यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द प्रोफेशनल हाउ इज ही बिहेविंग इन द जॉब सिनारियो इन द जॉब प्लेस एंड फॉर दैट देर आर सर्टेन प्रोसीजर्स विच यू हैव टू फॉलो आपको किसी को शेडोइंग करना है तो पहले आप उसको को आप लगता है कि ये वाला प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सारे प्रोफेशन से जिसमें प्रैक्टिस करते हैं हम लोग उसमें शेडोइंग बहुत पॉपुलर है अभी ये जो शेडोइंग बहुत पॉपुलर इसमें क्यों है क्योंकि जैसे हो गया आपका वकीली प्रोफेशन हो गया यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन डॉक्टर बाय प्रोफेशन ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते हैं यू आर सी ए बाय प्रोफेशन तो ये सारी जो चीजें हैं इनमें हमें शेडोए की ज्यादा जरूरत पड़ती है बिकॉज हम कभी भी देखे ना तो हम ये बोलते हैं कि ये ही इज अक्टिस ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वो सी ए की प्रैक्टिस कर रहा है वो लॉयर की प्रैक्टिस कर रहा है इसका मतलब इनडली ये भी होता है दैट ही क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें रोज चेंजेस होते हैं आप एक बार ये नहीं बोल सकते कि हमने ये स्किल अक्वायर कर लिया अब हेंस फोर्थ हमें कुछ नहीं करना है यू हैव टू अपडेट। ये कुछ प्रोफेशन ऐसे, ऐसे हैं। लॉ चेंज हो गया कल को कल को कुछ नया अमेंडमेंट आ गया यू हैव टू बी अपडेटेड नए नए प्रोसीजर्स निकल कर आते हैं मेडिसिन में नए नए ड्रग्स आते हैं मेडिसिन में आपको उनका बिहेवियरल पैटर्न अपने पेशेंट के ऊपर देखकर ऑब्जर्व कर कर उसको प्रिस्क्राइब करना है या नहीं है तय करना पड़ता है सो दीस आर ऑल प्रैक्टिसिंग थिंग्स तो ये प्रैक्टिसिंग थिंग्स में शेडोइंग का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस हो जाता है अभी uh, ये जो शैडोइंग है इसके लिए जो मैंने बोला कि मैं प्रोसीजर बताऊंगी आपको सो so प्रोसीजर में क्या करते हैं यूजुअली दैट वी आइडेंटिफाई तो इसके लिए हमारी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अप्रॉक्सिमेटली uh, हमारे एरिया में हमारे रोल मॉडल्स या हम जिस एरिया में जाना चाहते हैं भले वो तीन हुए एरियाज चार हुए मैटर यू आइडेंटिफाई सर्टन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इन योर एरिया देन यू राइट दम अ मेल आप जाकर एकदम वहां खड़े नहीं हो सकते यू राइट दम अ प्रोफेशनल मेल एंड यू से दैट आई वॉन्ट टू शेडो यू एंड इफ द पर्सन अग्रीज देन यू स्टार्ट द शेडोइंग प्रोसेस अभी शेडोइंग प्रोसेस करते समय कुछ हमने बहुत क्रिटिकली ध्यान रखना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सीक्रेसी लॉ सीक्रेसी मेंटेन करना आना चाहिए आपको कोई हक नहीं बनता कि वहां पर जो कुछ बातचीत हुई वो बाहर जाकर या तो आप डिस्कस करें या किसी को बताएं क्योंकि वो प्राइवेसी uh, का उल्लंघन हो सकता है तो इसलिए आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर कर देते हैं बहुत सारे बार जब कोई शेडोइंग करवाता है आपको यू साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म दैट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट गोइंग टू टू टेल एल्स सो इसके मतलब अंडरस्टैंड uh, करने की चीज ये है कि दिस इज अ सीरियस थिंग ऐसा आप गए ऑब्जर्व किया और आ गए और पेपर के ऊपर आपने लिखवा लिया कि हमने आपको इतने घंटे शाड़ो किया था जस्ट टू राइट दैट अप इन असीवी सो इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट दैट प्लीज डोंट डू दैट ऐसा इतना सीरियस मैटर वेस्ट में कंसिडर किया जाता है स्पेशली यूएसए सो आई वॉज कमिंग बैक टू कमिंग बैक टू द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट देन यू राइट ईमेल एंड देन वेन द पर्सन हैज सेड देन यू स्टार्ट द फॉलो अप प्रोसीजर्स क्या करना है मैं कितने बजे आऊँ कब से आऊँ आप बिजी तो नहीं है इसके बाद मैं कब से आपके पास आ सकता हूँ कितने टाइम के लिए रुक सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ एनी गाइडलाइंस यू वुड लाइक टू गिव देम ये आप पूछते हैं हमारे यहाँ पर क्या होता है हम बहुत बार स्पून फीडिंग करते हैं जब हम किसी के साथ में काम करने जाते हैं तो वो जो सीनियर व्यक्ति होते हैं वो हमें बताते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में दट दिस इज हाउ इट है दिस इज हाउ यू मस्ट डू दिस इज हाउ यू मस्ट नॉट डू ऐसा वहां पर कुछ नहीं होता है शेडोइंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया परछाई इसका मतलब आपको एकदम चुपचाप रहना है सिर्फ अपना पेपर पेन लेके जाना है डायरी लेने और सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है आप और मेडिकल प्रोफेशन और साइकोलॉजी ये दो प्रोफेशन ऐसे है और स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग भी मैंने बहुत बार देखा है कि जहां पर आप अपने पूरे फाइनेंस अपने सी ए को या किसी को बताते हैं तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि मेरे पास एक बच्चा शेडोइंग के लिए आया हुआ है तो क्या आप परमिशन देंगे कि वो यहाँ बैठे स्पेशली मैंने ये साइकोलॉजी प्रोफेशन में बहुत देखा है क्योंकि साइकोलॉजी में लोग ओपन अप होते हैं और ओपन अप होते समय उनकी प्राइवेसी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सो इट्स दैट द पर्सन विल अलाउ यू टू सिट देयर इफ ही अलाउज लेकिन कंसेप्चुअली uh, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो स्टूडेंट है आगे जाके ये स्टूडेंट बनने वाला है तो ये एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट तभी बनेगा जब ये किसी को ऑब्जर्व करेगा बिना ऑब्जर्वेशन के तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते तो मेडिसिन प्रोफेशन में फाइनेंस प्लानिंग में इन सब प्रोफेशन में यूजली यस सो अस्मिता मैम भी वही बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स पेशेंट uh, को पूछते हैं कि आप शेडो करने देंगे क्या ये बच्चा आया है मेरे पास और ये मेरे को शेडो कर रहा है तो क्या आप इसे यहाँ बैठने देंगे So, uh, thank you, Asmita, for that input. And इसके बाद हम हम क्या करते हैं कि जरल रिक्वायरमेंट्स uh, तो हमने कंप्लीट कर लिया इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कैसे ड्रेस होकर जाते हैं वहां पे आपको अगर प्रोफेशनल दिखना है वहां या आपको ये और वहां पर डॉक्टर का भी तो एक सवाल है आप जिसको जिस बंदे को आप शैडो कर रहे हैं जिन जिन हस्ती को आप शैडो कर रहे हैं जो कि अपनी पोजीशन पे काफी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं उनके केबिन में आप उनके साथ अगर बैठेंगे या खड़े रहेंगे बिना परमिशन के आप बैठेंगे बिनी खड़े रहेंगे तो आपका भी अटायर उस केबिन के लिए उस चीज के लिए सूटेबल होना चाहिए तो इस वजह से आप ड्रेस कोड भी फॉलो करेंगे वहां पर जाते समय या पूछेंगे कि मैं कौन से ड्रेस में आऊँ एंड ये हो गया आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट शेडोइंग करते समय एंड देन आपको वाई पे फोकस करना है हाउ पे फोकस नहीं करना है वहां पे जाने के बाद मतलब उस उन उनको ऑब्जर्व करते समय यू हैव टू फोकस ऑन योर वाई में मैं कोई क्या है यहां से बनिस्पत की ये जो कर रहा है वो मैं कैसे करूं क्योंकि कैसे जब आप करने लगेंगे ना तो आप क्वेश्चंस पूछने लगेंगे उनको कि फिर सर ये ऐसे होता है तो फिर क्या होगा फिर उन्होंने आपको ऐसे बताया तो फिर क्या होगा यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द हाउस यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वाइज क्योंकि आप सवाल लेकर वहां पर जा रहे हो और आपके मन का सवाल क्या है आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए जब हम आप वहां जाते हो तो आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज जो ये सर कर रहे हैं जो ये प्रोफेशनल कर रहे हैं क्या मैं हर रोज अप, अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए कर सकता हूं ये आपके मन का सवाल होना चाहिए जब आप किसी को शाडो करते हैं तो कि ये जो चीज ये बंदा कर रहा है उस चीज को क्या मैं अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ कर सकता हूं तब वो मेरा रियल कॉलिंग होगा और तब मुझे उस प्रोफेशन में उतरना चाहिए अभी इसके बाद हमें और क्या करना चाहिए यूजुअली कितने घंटे शेडो करना चाहिए ऐसा बहुत बार सवाल पूछा जाता है तो बहुत बार वेस्ट में तो पॉपुलरली लोग 200 हंड्रेड आवर्स तक भी शेडोइंग करते हैं अभी कोविड सिचुएशन में फिजिकली तो अलाउड नहीं है लेकिन बाकी सारी काफी इंटर्नशिप्स वगैरह अवेलेबल है ऑनलाइन वर्चुअल करने के लिए जिससे आपको थोड़ा सा तो फील फील आता है क्या होता है इस पर बट स्टिल इम्पॉर्टेंस है और इस कंसेप्ट को मैं सिंसियरली चाहती हूँ हमारे यहाँ के बच्चे भी फॉलो करें हमारे यहाँ के पेरेंट्स भी फॉलो करें क्योंकि हम बाद में जाके फ्रस्ट्रेट जाते हैं अगर तो हमें इस तरीके से थोड़ा साइंस की मदद लेते हुए मतलब मैं तो ऐसा चाहूंगी कि हम पहले साइकोमेट्रिक एनालिसिस करें फाइंड आउट करें उसमें से अगर दो तीन प्रोफेशन आते हैं तो उन दो तीन प्रोफेशन पे फोकस करें उसमें से एक दो को चूज करें उसको शेडो करें और शैडो करने के बाद हम ये निर्णय लें कि मैं ये प्रोफेशन करना चाहता हूँ और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि मुझे ये वाले टाइप का प्रोफेशन पसंद है अब इसको अचीव करने के लिए बताइए कि मैं क्या पढ़ू हमारे यहाँ ना हम उल्टा करते हैं हम कुछ तो पढ़ लेते हैं अपने या तो मार्क्स के बेसिस पे या सीट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे या फिर फिनेंस के बेसिस पे कितना हम फीस भर सकते हैं उसके बेसिस पे और फिर जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम ये सोचना शुरू शुरू करते हैं अब करियर किस चीज़ में करना चाहिए तो ऐसा ना करना हो अगर हमें तो शेडोइंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए उसके बाद हम जब वहां शेडो करने जाते हैं तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव तीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए क्योंकि बहुत बार जब सीरियसली आप शेडोइंग करते हैं और उसके बाद आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहिए होता है तो वो लोग आपको शेडोइंग के ऊपर बोलते हैं कि आप अपना पेपर प्रेजेंट करिए कि आपने शेडोइंग तो किया तो शेडोइंग करना मतलब गए वहां पे उसके बाद लंच तो कैंटीन में चले गए उसके बाद फिर दो तीन घंटे बिता लिए फिर घर आ गए दिस इज नॉट शेडोइंग यू आर देयर फॉर अ सीरियस थिंग तो आपसे कहा जाता है कि आप पेपर प्रेजेंट करिए इसके ऊपर कि आपने शेडोइंग में क्या किया तो फिर आप को अपना खुद का एक डिजाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ेंगे तीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स निकालिए अपने खुद के लिए कि मैं शेडोइंग में क्या करने गया था और उसमें से मैंने क्या अचीव किया तो उसमें से ये हो सकता है कि आ, क्या टास्क मैंने अपने गोल्स तो डिफाइन किए उसमें से कौन सी टास्क है जो मैं अचीव करना चाहता हूं तो ये हम Uh, किसी ने और कमेंट किया यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माई सिस्टर गेव अप आफ्टर गेटिंग हर इंजीनियरिंग डिग्री शी इज अस आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग इन दिस फील्ड जेन शी चेंज हर करियर पाथ ग्रेट सो अस्मिता मैम ने ये बताया है हम मुझ में होता है और हम अपने प्रोफेशन में कंटिन्यूअसली बहुत सालों से देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा पहले की एमबीबीएस करने के बाद लोग आके पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए सी फर्स्ट शॉर्ट में पास करने के बाद जिसका रिजल्ट इतना पुअर लगता है और फिर इसका मतलब आप इतने ब्रिलियंट हो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर लिया उसके बाद लोग आकर बोलते हैं कि मुझे प्रैक्टिसिंग सीए नहीं बनना है मैंने सीए पढ़ तो लिया है पास भी कर लिया है मेरा एग्जाम हो गया है मेरा सब कुछ हो गया है बट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ प्रैक्टिस

आप जो कुछ करने गए थे जो कुछ फाइंड आउट करने गए थे वो आपने आपको प्रूव भी करना है मतलब खुद को प्रूव करना है अपने इंस्ट्रक्टर को प्रूव करना है आपको पेपर लिखकर प्रेजेंट करना है इसके बाद आपको क्या क्वेश्चन पूछना है कि मेरा स्किल सेट और मेरा जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से क्या यह प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट है और मेरा एक स्किल सेट है इसका मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उस तरीके के स्किल सेट मेरे पास है क्या और वो उनमें मुझे इंटरेस्ट है क्या ये दो ये सवाल आपको खुद से पूछना है क्योंकि आप शेडो करने गए हैं अगर आप एक जॉब कर रहे हैं जिसके लिए आज रोज सुबह उठने में आपको आनंद आता है तो फिर आप कभी जिंदगी भर काम नहीं करेंगे क्यों क्योंकि आपको जिस चीज में आनंद आता है जिस चीज से आप रोज सुबह बिना उठाए उठ जाते हैं इसका मतलब आप जॉब नहीं कर रहे हैं आप आनंद ले रहे हैं उस चीज का तो इसलिए फिर आप जिंदगी भर कभी जॉब नहीं करेंगे इसलिए कहा जाता है ना कभी कभी कि मैन योर पैशन बिकम्स योर लाइफ बिकम्स अ वेकेशन तो अगर हमें ऐसा अचीव करना है अपने लाइफ में कि हमारे पैशन को हमारा प्रोफेशन बनाना है ताकि सारी जिंदगी वेकेशन जैसी लगे तो हमें इस पाथ पर चलना चाहिए क्योंकि पहले मेहनत करेंगे तो बाद में मेहनत कम होगी ये तो दुनिया का नियम है क्योंकि हर करियर हर लाइफ एक साइक्लिकल फॉर्म में चलती है हम वेव फॉर्म देखते हैं तो वेव फॉर्म में कभी क्रस्ट आता है कभी ट्रफ आता है कभी न्यूट्रल आता है ऊपर कभी पैराबोला भी आ जाता है तो ऐसा हमारा करियर तो चलने ही वाला है लेकिन अगर हमने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है तो फिर हमें इन सब की तकलीफ क्योंकि तो हमें पता है कि जो चीज ऊपर गई है वो चीज नीचे भी आएगी जैसे हम कोविड के, के केस में कह रहे हैं कि कोविड का पीक आएगा उसके बाद उसका डिक्लाइन तो होना ही है तो हर चीज जब डिक्लाइन पे जाती है फिर वो पॉजिटिव चीज अगर अपस्विंग जाती है इसका मतलब हम सक्सेसफुल तो ये करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी हम ये नहीं बोल सकते कि हमने ब्लाइंड गेम खेला बस हो गया तो लक हो गया और हम सक्सेसफुल हो गए बिकॉज सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि आ, हम ऑब्जर्व करके क्या समझेंगे कि हमें अपना जो है खाना आना चाहिए उस प्रोफेशन के प्रति मतलब शेडोइंग करने के बाद मुझे उस प्रोफेशन के प्रति रिस्पेक्ट आना चाहिए तो हमें जाके खुद को ऑब्जर्व करना है कि शेडोइंग से पहले मेरा इस प्रोफेशन के प्रति बहुत इंक्लिनेशन और बहुत रिस्पेक्ट था क्या वो कम हो गया या वो बढ़ गया अगर बढ़ गया इसका मतलब इस प्रोफेशन के लिए मैं सही हूं अगर वो कम हो गया तो मुझे खुद से पूछना पड़ेगा कि मैंने ये जो प्रोफेशन चूज किया था इज इट करेक्ट फॉर मी तो मैं इंट्रोस्पेक्ट वापस कर सकता हूँ या फिर कोई ऑल्टरनेटिव की तरफ भी जा सकता हूं देन अगेन एज आई टोल्ड यू यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट एंड इफ एट ऑल अगर क्लाइंट या अगर आप साइकोलॉजी सिनारियों में हैं तो पेशेंट या आप डॉक्टर uh, सिनारियों में हैं तो पेशेंट इफ द पेशेंट सेज कि आई डोंट वांट दिस पर्सन टू बी स्टैंडिंग हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ और आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रॉब्लम्स देन आपको बुरा नहीं मानना है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेशेंट कंफर्टेबल ना हो आपके सामने बात करने के लिए देन यू मस्ट स्टैंड आउटसाइड उसमें आपको बुरा नहीं मानना स्टैंड कि आपको उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए तो आपको बुरा नहीं मानना है तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहां पे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं किसी के भी सामने बात करने के लिए इसके बाद आपको खुद से एक सवाल और पूछना है कि इस प्रोफेशन में मैंने लाइक्स डिसलाइक्स देख लिए मैंने बाकी सब कुछ देख लिया इसके अलावा क्या ऐसी कोई चीज है जो इस प्रोफेशन में मुझे पसंद नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी पायलट को शाडो किया और पायलट को शाडो करने के बाद आपको बहुत सब मजा आया वाक में बैठते हैं उड़ते हैं होटल में रुकते हैं दुनिया घूमने मिलती है लेकिन साथ में कभी कभी उसको दो बजे की फ्लाइट भी उड़ानी रहती है और तब उसकी नींद का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है लेकिन जब वो सुबह जाकर कॉकपिट में बैठता है तो ही डेयर नॉट फील स्लीपी उसके हाथ में इतने सारे लोगों की जाने हैं वो बोइंग उड़ा रहा है साढ़े तीन सौ पैसेंजर्स बैठे हैं उसके पास में और वो हवा में है तो आपको अगर ये पसंद नहीं है फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे को वो पायलट प्रोफेशन प्लेन चलाना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन दो बजे उठना अच्छा नहीं लगता नहीं ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है आपको मरीन इंजीनियरिंग मरीन शिप्स बहुत पसंद है आपको आ, लेकिन आप सेलर बनना चाहते हैं और सेलिंग आपको सिक्स महीने ऑनशोर और सिक्स महीने ऑफशोर रहना पसंद नहीं है आप ऑनशोर नहीं रहना चाहते या इतना सिक्स मंथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा है या वो आपको पसंद नहीं है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस ये पसंद नापसंद मैंने निकाल तो ली इसके बावजूद मुझे इसी प्रोफेशन में रहना है Then that profession is good for you. तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वॉट इज योर डिस और इसके बाद आपका मोटिवेशन फैक्टर करने के बाद भी आप सेम तरीके से उस प्रोफेशन के लिए मोटिवेटेड हो और फिर मुझे सपोज मेडिसिन का ही एग्जाम्पल वापस से लेते हैं कि पेशेंट के आस पास रहना मेरे लिए कम्फर्टेबल है अच्छा है एवरीथिंग इज ऑल राइट देन आई मस्ट चूज द प्रोफेशन So, आज के लिए इतना ही बिकॉज uh, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से किसी प्रोफेशन को चूज करने के लिए अः uh, सो so कल मिलेंगे कुछ और नए विषयों के साथ कुछ और नई कहानियों के साथ धन्यवाद नमस्कार